वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर रोज इस तरह के वीडियो देखें। हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाला है कि वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन लगाते हैं, वो एंड स्क्रीन हम अपने वीडियो के लास्ट में कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था एंड स्क्रीन के बारे में, उसकी लिंक नहीं तो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, वहां जाकर आप उस एंड स्क्रीन के वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इसके लिए आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन की जरूरत होगी। तो पिक्सलैब एप्लीकेशन में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद ये आपको YouTube थंबनेल साइज को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप कलर को सेलेक्ट करना है। कलर में जाकर कलर सेलेक्ट करने के बाद में आपको ओके पर करना है। इसके बाद नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन सुनना है और उसमें बीच वाले ऑप्शंस को सुनना है और फिर इस तरह के ऑप्शंस को इसका कलर चेंज करके इसको हम जो भी कलर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहां से सेलेक्ट करके इसके दो कलर कर देने हैं। बीच में इसको आधा कलर रेड कलर रखना है, आधा ब्लैक रखना है, ताकि दिखने में बढ़िया दिखे। अगर आप एक कलर रखना चाहते हैं तो एक भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर इसको आधा रेड रखेंगे हम और आधा ब्लैक रहने देंगे, ताकि अच्छा लगे दिखने में भी, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगना चाहिए दिखने में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि कोई भी ट्रिप आप मिस ना कर सके। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज लेकर आता रहता हूं, क्योंकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो देखिए, आधा हमने रेड कलर रख लिया है और आधा ब्लैक। इसके बाद में हम यहां से तीन तरह के स्कोर वीडियो इंडेक्स बनाएंगे इस तरह के। तो सबसे ऊपर में आपको ब्लैक कलर का बनाना है और राइट साइड में दो जगह थोड़ा छोटा रखना है इससे, और वो आपको दो व्हाइट कलर में बनाने हैं, वो भी आप यहीं से बना सकते हैं। इसके बाद में पहले दो इंडेक्स बना देने हैं आपको, ताकि मोर वीडियो न्यू वीडियो रखने के लिए। और ऊपर में आप जो ब्लैक कलर का इंडेक्स रखा है आपने, यहाँ पर आपके जो वीडियो छोटा होता है ना, वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पे दो नेक्स्ट वीडियो और सरगुनिश वीडियो, और बीच में हम एक लोगो लगाने के लिए बनाएंगे और वो भी यहीं से बनेगा। इसके लिए आपको एक राउंड ले लेना है और राउंड कलर का लेके आपको इसमें व्हाइट कलर ही रखना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको थोड़ा छोटा करके वहां पर पेस्ट लगा देना है। इसके बाद में जो लोगो लगाने वाला है उस के ऑपोजिट जो आपको खाली जगह है, यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लिखना है सब्सक्राइब, क्लिक हेयर टू। सबसे पहले क्लिक हेयर टू लिखना है और उसको हम फॉन्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं
सेंस करके थोड़ा पास ले लेते हैं उसको, लोगों को। उसके बाद जो भी क्लिक हियर टू, इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, साइज को छोटा बड़ा करना है, यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं यहाँ से। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के बाद में हम इसके नीचे की तरफ लिखेंगे। फ़ॉन्ट चेंज कर आपको जो आपको पसंद है वो फ़ॉन्ट रखना है। इसके बाद में फिर से आपको न्यू टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद में सब्सक्राइब लिखना है। सब्सक्राइब लिखने के बाद इसका भी आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो करना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको नीचे की तरफ लिखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग, वो आप इसके नीचे लिखेंगे। पहले इसका सब्सक्राइब का जो फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो आप स्टाइल फॉन्ट जो चेंज कर सकते हैं। करने के बाद में अब एक फिर से प्लस और नीचे यहाँ पर एक तीर का निशान जैसा लगाना है जो अपने लोगों की तरफ जाता हुआ तीर का निशान लगाना है, ताकि क्लिक हियर टू सब्सक्राइब, यानी हमारे लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल सीधा खुलेगा और वहां जाकर वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ लिखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखने के बाद आप ये जो व्हाइट इंडेक्स किया ना, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं मोर वीडियोस, और नीचे की तरफ आपको लिखना है अपने चैनल का नाम। पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग का जो फॉन्ट वगैरह है वो चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखेंगे, और इस चैनल के और थैंक्स फॉर वॉचिंग के बीच में अगर आप अपने सोशल मीडिया का जो आइकॉन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप PNG बनाकर छोटा यहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इस तो अपने चैनल के जो फॉन्ट वगैरह है वो भी आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद में ऊपर की तरफ लिखना है मोर वीडियोस, मोर वीडियोस वीडियोस। इसका भी फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं।
इसके बाद में ऊपर से सेव टू इमेज, सेव टू गैलरी में हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद काइन मास्टर में चलना पड़ेगा। काइन मास्टर में चलने के बाद में आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देना है और 16.9 को सेलेक्ट कर देना है। 16.9 सेलेक्ट करने के बाद में आपको मीडिया पर क्लिक कर देना है और जो आपने अभी इमेज बनाई थी एंड स्क्रीन की, उसको हम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम 23 सेकेंड का रखेंगे, 23 सेकेंड, क्योंकि एंड स्क्रीन 23 सेकेंड की ही होती है, इसीलिए 23 सेकेंड रखने के बाद में हम लेयर पर क्लिक करके यहाँ से एक लोगो लेंगे, अपने चैनल का लोगो। अपने चैनल के लोगो को यहां से हम, हाँ, और यहां पर 20 में हम इसको लाकर रख देंगे। हाँ, उसके बाद में फिर से लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करके आपको एक वीडियो ले लेना है। कोई भी इंट्रो वगैरह जैसा वीडियो आप ले सकते हैं। मैं एक इंट्रो का वीडियो यहाँ पर ले रहा हूँ, उसको फुल स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन स्पीड स्क्रीन आपको नहीं करना है, आपको फुल स्क्रीन यहाँ पर करना है। अपने हाथ से स्क्रीन को फिट स्क्रीन कर देना है। फिट स्क्रीन कर देने के बाद में वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाना है। वीडियो पर फिर क्लिक कर देना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा के जो की का आपको ऑप्शंस दिखा जा रहा है ना, वहाँ पर क्लिक कर देना है। लेफ्ट साइड में आपको की वाला, चाबी वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, चाबी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके फिर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस का आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को छोटा कर देना है और इन जो ब्लैक कलर का इंडेक्स है इसके ऊपर शेयर कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इसके ऊपर बरोबर सेट कर देना है। और फिर प्लस के आइकॉन पर दो तीन जगह आपको प्लस के आइकॉन को दबाना है और लास्ट तक दबाते जाना है। बस, और यहाँ पर आप अपने वीडियो में जाएंगे तभी आप अपने वीडियो के जो अन्य वीडियो हैं वो आप वाइट इंडेक्स में आप लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर 23 सेकेंड का रखना है। आप अगर मैं तो यहाँ पर 23 सेकेंड का रखूँगा तो फिलहाल मैं 20 में से यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, भी हम काट देते हैं जो एक्स्ट्रा है वो लोगों का। इसके बाद में प्ले करके हम देखेंगे किस तरह चल रहा है। तो देखिए दोस्तों किस तरह हमारा वीडियो फटाक से छोटा हो गया और अंदर ही अंदर चलने लगा। तो दोस्तों इसके बाद में शेयर के बटन पर क्लिक करके, लेफ्ट साइड में जो शेयर का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट
टू गैलरी में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों इस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई टॉपिक एक नई उम्मीद के साथ में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद।